So, but if the state space has repeated states, this means there are loops in the state space graph. So as you can see in this figure on the left of the screen, this is a state space graph. This graph is composed of three states, S, B, and C. Let's suppose S is a start state. It is a start node. So moving, we can make a transition from either S to B by applying some operator, and by applying a different operator, we can make a transition from S to C. So S state से जो है हम दो directions में move कर सकते हैं, B की तरफ या C की तरफ. Similarly, if we are at state B, अगर हम state B पे हैं in this state space graph, तो B से जो है हम again दो directions में move कर सकते हैं. We can move either from B to S and from B to C. And likewise, if we are at state C, तो state C के ऊपर जो है हम again हम दो transitions कर सकते हैं. एक transition जो है वो back state B की तरफ है, जहां से हम आते हैं C की तरफ, और इसी तरह जो है C से S की तरफ भी जा सकते हैं. तो ये जो है इसके अंदर हम देखते हैं कि this graph जो है it contains loops, इसके अंदर loops है. तो अगर state space graph के अंदर loops है, that can cause problems. For example, इसका अगर हम search tree देखें, अगर हम इसके ऊपर search tree जो है वो design करते हैं, तो इसका corresponding search tree जो है उसका एक snapshot, उसका जो partial जो है वो representation जो है वो given है in this part, in the guide part of this figure. Start state S है, उसके बाद S से जो है हम देख रहे हैं दो branches जो है वो generate हो रहे हैं, एक left branch है और एक right branch है. Left branch जो है that is that takes us to the state B, या नोड बी की तरफ लेके जा रहा है, और जो राइट ब्रांच है इस ट्री की जो रूट से ओरिजिनेट हो रही है, दैट विल टेक अस टू द स्टेट सी. उसके बाद बी पे जो है हम फिर दोबारा बी से कहाँ, अगर हम ग्राफ को देखें तो बी से जो है हम दोबारा सी पे जा सकते हैं या स्टेट एस पे जा सकते हैं. तो बी के ऊपर जो है ट्री के अंदर हम देख रहे हैं कि इफ वी आर एट स्टेट बी, तो वहां से बी से हम फिर आगे दो जो है वो ब्रांचेस ले सकते हैं. एक ब्रांच जो है जो लेफ्ट ब्रांच है दैट विल टेक अस टू द स्टेट सी, और जो राइट ब्रांच जो है इट विल टेक अस टू द स्टेट एस. एंड सिमिलरली इफ वी आर एट स्टेट सी, द राइट ब्रांच जो है जो रूट से ओरिजिनेट हो रही थी, सी पे रहते हुए जो है अगेन वी कैन मूव आइदर टू स्टेट बी और स्टेट एस. तो वहां से भी दो जो है वो सी पे भी ब्रांचेस जनरेट हो रही है, लेफ्ट ब्रांच बी पे लेके जा रही है, राइट ब्रांच जो है वो एस पे लेके जा रही है. इसी तरह जो है इस ट्री को हम फर्दर आगे और भी एक्सपेंड कर सकते हैं. यानी जब हम से जब हम बी पे होंगे, उसके बाद जो लीफ नोड है हमारा बी, वहां से फिर हम कहाँ पे जा सकते हैं, एस पे जा सकते हैं और सी पे जा सकते हैं. इसी तरह जो लीफ नोड सी है, वहां पे रहते हुए हम अगेन एस पे जा सकते हैं और बी पे जा सकते हैं. और जो लीफ नोड एस है इस ट्री का, अगर हम उसको फर्दर एक्सपेंड करते हैं तो इट कैन टेक अस टू द स्टेट बी एंड स्टेट सी. तो ये ट्री जो है इस तरह इनफाइनाइट ट्री जो है वो हम जनरेट कर सकते हैं. तो वी कैन सी दैट हैविंग इवन अ फाइनाइट ग्राफ, हमारे पास ग्राफ जो है स्टेट स्पेस ग्राफ वो फाइनाइट है, लेकिन इसका जो कोरस्पॉन्डिंग ट्री जनरेट हो रहा है दैट इज इनफाइनाइट. एंड वाई it is infinite? Because state space ke andar jo hai we have repeated states. In other words, we have loops in the state space graph. So if we apply our general tree search algorithm, to in that case what will be the problem? Problem would be ki wo jo algorithm hai hamara general tree search algorithm, that builds a tree, that constructs a tree while searching in the state space graph for the solution state. तो ये ट्री जो है हमारा, ये सर्च ट्री जो है ये जनरेट होना शुरू हो जाएगा, एंड इट विल कीप ऑन जनरेटिंग दिस ट्री इन सम पर्टिकुलर डायरेक्शन.
तो ये एक इनफाइनाइट ट्री जो है वो जनरेट हो जाएगा, एंड ऑब्वियसली हमारे कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज जो है दे विल एग्जास्ट, अल्टीमेटली दे विल एग्जास्ट एट सम पॉइंट। हमारे पास आइदर जो है वी विल एग्जास्ट इन टर्म्स ऑफ जो है वो टाइम, कि हमारा टाइम जो गिवन था टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम दैट वी मे एक्सीड दैट टाइम, और मे बी द अदर कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज जो है सच एज मेमोरी जो है वी मे एग्जास्ट इन दैट जो है टर्म्स एज वेल। तो ये जो है ये प्रॉब्लम जो है, तो हाउ वी कैन कैटर दिस प्रॉब्लम, हाउ वी कैन रिजॉल्व दिस इशू इन आवर जेनेरिक रिसर्च एल्गोरिथम, एनी आइडिया? एंड ऑब्वियसली यू कैन गेस के हमारी जो कंप्यूटेशनल एफर्ट्स हैं वो भी वेस्ट हो रही है इस केस में, इस ग्राफ के केस में, बिकॉज हम अगेन एंड अगेन वही स्टेट्स हैं दोबारा से जनरेट किए जा रहे हैं। तो आइडिया इज कि वी शुडंट जनरेट अ स्टेट दैट हैज ऑलरेडी बीन जनरेटेड। लाइक अगर हम स्टेट बी जनरेट कर चुके हैं फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेट एस, तो अगेन वी शुडंट जनरेट दिस स्टेट बी। सो दिस इज हाउ वी कैन come up with this solution. We first we will see that even a finite state space graph, it may turn into infinite search tree if we have loops and we apply our generic tree search algorithm. So the idea is that how we can resolve this issue is we should keep track of visited states. कि वो states जो हम visit कर चुके हैं या जिनको हम generate कर चुके हैं, we should keep track of these states. हम दोबारा से उन states को visit नहीं करना चाहते। For example, अगर हम S से B पे already आ चुके हैं इस path पे, तो why we should take this path again from S to B? इसी तरह अगर हम B से C का path जो है already traverse कर चुके हैं, we shouldn't traverse this path again for one more time. हमें इसको traverse नहीं करना। तो हमें अपने tree search algorithm को हम modify करते हैं so that it could keep track of visited states, ताकि हम ये repeated loops जो है या repeated states जो है ये problem जो हमें face ना करना पड़े। So now you can see a generic graph search algorithm. We will use a similar search methodology, except that कि हम एक नया जो है वो एक आप कह लें कि यहाँ पे list add करते हैं, that is known as explode. बाकी सारी चीजें उसी तरह से same है। Then in the first thing is let frontier be a list of visited but not expanded nodes. ये already जो है हम यही देख चुके हैं tree search algorithm के अंदर भी ऐसे ही था कि frontier हमारे पास एक list थी जिसके अंदर जो है हम visited nodes रखते हैं, लेकिन ये वो nodes हैं जिनको अभी हमने expand करना है। उसके बाद यहाँ पे इस algorithm में हमने एक नई list ली है which is known as explode. Explode जो है explode set is initialized to empty. इनिशियली जो है एक्सप्लोर्ड लिस्ट जो है ये एम्प्टी है। एक्सप्लोर्ड के अंदर हम क्या स्टोर करेंगे? एक्सप्लोर्ड के अंदर जो है हम वो नोड्स या स्टेट स्टोर करेंगे जो ऑलरेडी हम जिनको आप कह लें कि विजिट कर चुके हो, जिनको ऑलरेडी जो है हमने एक्सपेंड कर लिया होगा। उसके बाद फर्स्ट स्टेप उसी तरह से है, इनिशियलाइज फ्रंटियर विद द इनिशियल स्टेट। उसके बाद इफ फ्रंटियर इज एम्प्टी फेल, otherwise extract a node n from the frontier. Third step में हम क्या कर रहे हैं कि if n is a goal node, हम n के ऊपर जो है goal test apply करते हैं. If it is successful, we return the path from initial state to the node n. Otherwise, हम क्या करेंगे? Add n to the explode set. हम n को explode set के अंदर जब add करते हैं. उसके बाद fifth step में हम करेंगे expand n and add all the children of n to the frontier. हम n को expand करेंगे और इसके children को frontier में add करेंगे. However, before adding these children to the frontier, we should ensure that कि वो children जो हैं, they are already not in the explored set, are in frontier. अगर वो children जो हैं, जो हमने new children generate किए हैं node n के, अगर उनमें से कोई भी child जो है already एक्सप्लोर सेट के अंदर है या फ्रंटियर के अंदर है, तो हम उसको फ्रंटियर में दोबारा से ऐड नहीं करेंगे। व्हाई? बिकॉज़ दिस मींस कि अगर हम एक ऐसा चाइल्ड जनरेट करते हैं जो ऑलरेडी एक्सप्लोर सेट के अंदर है, इसका मतलब ये है कि उस नोड को, उस स्टेट को हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं,
हमें दोबारा से उसको विजिट करने की जरूरत नहीं है। सो दैट्स वाई हम उसको फ्रंटियर के अंदर ऐड नहीं करते अगर वो ऑलरेडी एक्सप्लोर सेट के अंदर। एंड सिमिलरली अगर वो फ्रंटियर के अंदर ऑलरेडी पड़ा हुआ है वो नोड जो है, और उसको हम दोबारा से फ्रंटियर में ऐड करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी वो फ्रंटियर में है, वी विल एक्सपैंड दैट नोड अल्टीमेटली। हम उसको फ्रंटियर में से एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको एक्सपैंड करेंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन रिजॉल्व अराउंड द इशू ऑफ रिपीटेड स्टेट्स इन फ्री सर्च एल्गोरिथम। अगेन फ्रंटियर में हम नोड्स कैसे ऐड करेंगे और कैसे वहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये जो प्रोसेस है हमारा एडिशन और एक्सट्रैक्शन का, दैट विल डिसाइड कि हम कौन सा सर्च एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं। तो सर्च एल्गोरिथम एक पर्टिकुलर सर्च स्ट्रेटेजी जो है, इट विल आंसर दैट हाउ वी विल ऐड एंड एक्सट्रैक्ट एलिमेंट्स फ्रॉम द फ्रंटियर। उसके बाद नेक्स्ट है परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन। कि आफ्टर हैविंग दिस जो है अ पर्टिकुलर एल्गोरिथम टू सर्च फॉर द सॉल्यूशन इन स्टेट स्पेस, हाउ वी कैन एवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ दैट एल्गोरिथम। सो सर्च स्ट्रेटेजीज जो है दे आर एवैल्यूएटेड अलोंग द फॉलोइंग डायमेंशंस। फोर पैरामीटर्स हैं जिसके अगेंस्ट जो है हम सर्च एल्गोरिथम्स को एवैल्यूएट करते हैं उनकी परफॉर्मेंस को। द फर्स्ट पैरामीटर इज कंप्लीटनेस, नेक्स्ट पैरामीटर इज टाइम कम्प्लेक्सिटी, थर्ड वन इज स्पेस कम्प्लेक्सिटी, एंड लास्ट पैरामीटर इज ऑप्टिमैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट ऑफ दीज पैरामीटर्स, दैट इज कम्प्लीटनेस। कम्प्लीटनेस का मतलब है डज इट ऑलवेज फाइंड अ सॉल्यूशन इफ वन एग्जिस्ट्स। अगर हमारी उस स्टेट स्पेस के अंदर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो क्या हमारा एल्गोरिथम जो है वो उसको फाइंड आउट कर लेता है या नहीं फाइंड कर सकता। तो अगर तो हमारा एल्गोरिथम जो है इट कैन सक्सेसफुली फाइंड अ सॉल्यूशन फ्रॉम दैट स्टेट स्पेस, फ्रॉम दैट गिवन स्टेट स्पेस, तो हम कहते हैं कि हमारा एल्गोरिथम जो है वो कंप्लीट एल्गोरिथम है। सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा था और इसने फाइंड कर लिया। लेकिन अगर सॉल्यूशन इट माइट बी द केस कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा और एल्गोरिथम जो है उसको फाइंड नहीं करता, देन वेल एंड गुड। लेकिन अगर एग्जिस्ट कर रहा था और एल्गोरिथम इसको फाइंड नहीं कर पाया, इन दैट केस देर इज अ प्रॉब्लम। So we will say that our algorithm is not complete because it has failed to find a solution that is there in the state space. So ye first parameter tha ki agar algorithm jo hai wo successfully solution find kar leta hai to ye complete algorithm hoga, aur agar algorithm jo hai wo solution successfully find nahi kar sakta, dao ke solution maujood hai, to in that case jo hai ye incomplete algorithm. ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है टाइम कम्प्लेक्सिटी। टाइम कम्प्लेक्सिटी मीन्स के हाउ मच टाइम दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम विल टेक टू फाइंड द सॉल्यूशन। के ये जो हमारी सर्च स्ट्रेटजी है ये कितना टाइम लेती है सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए, ये सेकंड पैरामीटर है जिसकी बेस पे हम उसको एवेल्युएट करते हैं। हो सकता है देर आर सम अदर एल्गोरिथम्स विच आर बेटर इन टर्म्स ऑफ टाइम, कि वो कम टाइम लेते हैं सॉल्यूशन को फाइंड करने में। कुछ एल्गोरिथम्स हैं वो ज़्यादा टाइम ले रहे हैं सॉल्यूशन को फाइंड करने में। तो परफॉर्मेंस एवेल्युएट की जा सकती है इन टर्म्स ऑफ टाइम कम्प्लेक्सिटी एज वेल, कि हाउ मच टाइम द एल्गोरिथम विल टेक टू फाइंड द सॉल्यूशन। यूजुअली टाइम कम्प्लेक्सिटी हम कैसे कंप्यूट करते हैं, हम इसको कंप्यूट करते हैं इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी नोड्स हैव बीन एक्सपेंडेड, कि वो एल्गोरिथम जो है वो कितनी नोड्स को एक्सपेंड कर रहा है, बजाय इसके कि हम एक आप कह लें कि स्टॉप वॉच ले लें और अपना एल्गोरिथम रन करें और जब वो एल्गोरिथम सॉल्यूशन रिटर्न कर दे तो स्टॉप वॉच को स्टॉप कर दें और देखेंगे कितना टाइम हुआ है। हम ऐसे नहीं करते, रादर टाइम कम्प्लेक्सिटी को हम कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट हाउ मेनी नोड्स हैव बीन एक्सपेंडेड, कि हमारा एल्गोरिथम कितनी नोड्स को एक्सपेंड कर रहा है। रिमेंबर एक्सपेंशन का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर नोड हम लेते हैं और उसके आगे जो हम सक्सेसर्स जनरेट करते हैं, जो उसके आगे चिल्ड्रन जनरेट करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं नोड एक्सपेंशन।
तो हमने ये डिटरमिन करना है कि कितने नोड्स हमने एक्सपेंड किए. फॉर एग्जाम्पल अगर फ्रंटियर के अंदर सपोज 10 नोड्स पड़े हुए हैं, तो क्या हमने उन तमाम 10 के 10 नोड्स को एक्सपेंड किया, या हमने सिर्फ उनमें से 2 नोड्स को एक्सपेंड किया और हमें सोल्यूशन मिल गया, या हमने सिर्फ 1 नोड को एक्सपेंड किया और हमें सोल्यूशन मिल गया. तो टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है दैट विल बी कंप्यूटेड इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी नोड्स हैव बीन एक्सपेंडेड बाय दैट बाय दिस पर्टिकुलर सर्च एल्गोरिथम. उसके बाद थर्ड जो है डायमेंशन जो है वैल्यूएशन की, दैट इज स्पेस कम्प्लेक्सिटी. स्पेस कम्प्लेक्सिटी मीन्स दैट हाउ मच मेमोरी स्पेस दिस एल्गोरिथम विल टेक टू फाइंड द सॉल्यूशन बिफोर इट फाइंड्स द सॉल्यूशन. यानी सॉल्यूशन फाइंड करने तक जो है ये एल्गोरिथम कितनी मेमोरी कंज्यूम करता है. तो ये मेमोरी इसकी जो कंजम्पशन है दैट कैन बी डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ नोड्स विच आर इन द मेमोरी एट एनी गिवन टाइम. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स दैट आर इन द मेमोरी बिफोर वी जनरेटेड द सॉल्यूशन आर एट द पॉइंट व्हेन वी जनरेटेड द सॉल्यूशन. अंटिल देन हाउ मेनी नोड्स आर देयर इन द मेमोरी दैट विल डिटरमाइन द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आवर एल्गोरिथम. यानी जब हमने सॉल्यूशन डिटरमिन किया इफ एट दैट मोमेंट देयर वर 10 नोड्स इन द मेमोरी, तो हर नोड की जो भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी कि एक नोड जो है वो से 5 बाइट्स लेता है, तो 10 नोड्स कितने लेंगे, दे विल टेक 50 बाइट्स. इसी तरह जो है सपोज अगर हमने जो नंबर ऑफ नोड्स हैं हमारे मेमोरी के अंदर से 100 है और हर नोड अगेन हम कहते हैं कि जी 5 बाइट्स लेता है, तो टोटल कितने बाइट्स वो ले रहा है, उसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, दैट वुड बी 500 बाइट्स. सो हाउ मेनी नोड्स आर देयर इन द मेमोरी द मोमेंट व्हेन वी फाउंड द सॉल्यूशन दैट इज नोन एज द स्पेस कम्प्लेक्सिटी. उसके बाद थर्ड जो है दैट इज नोन एज द ऑप्टिमैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन या ऑप्टिमल सॉल्यूशन. This means it will answer the question, does it always find a least cost solution? तो optimality का मतलब ये है कि solution तो algorithm से find कर लेता है, वो complete algorithm है, it can find the solution. लेकिन हमें ये भी देखना है कि क्या ये एक least cost solution, because there might be some algorithms जो कि solution return करते हैं जो कि बहुत costly होता है, वो ज्यादा स्टेप्स लेते हैं परफॉर्म करने सॉल्यूशन को जो है वो ड्राइव करने के लिए. देयर वुड बी सम एल्गोरिथम्स जो कि कम नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर जो है सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं. और अगर हमारा क्राइटेरिया जो है कॉस्ट का वो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, तो वो एल्गोरिथम जो कि कम नंबर ऑफ स्टेप्स ले रहा है, ऑब्वियसली दैट एल्गोरिथम इज एन ऑप्टिमल एल्गोरिथम. हम उसको कहेंगे ये एक ऑप्टिमल एल्गोरिथम है बिकॉज इट रिटर्न्स द बेस्ट सॉल्यूशन, बेस्ट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, कि इस सॉल्यूशन की कॉस्ट जो है वो सबसे कम है. मिसाल के तौर पे आप कह लें कि यू इफ यू हैव अ प्रॉब्लम कि यू हैव टू ट्रेवल फ्रॉम लाहौर टू से इस्लामाबाद, देर आर डिफरेंट सॉल्यूशंस फॉर दिस प्रॉब्लम. क्या आपने ट्रेवल करना है, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम लाहौर एंड योर डेस्टिनेशन इज इस्लामाबाद एंड योर प्रॉब्लम इज ट्रेवलिंग. सो वन सॉल्यूशन इज दैट यू टेक अ कोच, take a bus to travel from Lahore to Islamabad. Another option is that you take, you choose to jo hai, go by an aeroplane. Theek hai. To, inme se least cost solution kaun sa hai? Obviously, now our cost jo hai, that is determined at how much we have paid to travel from Lahore to Islamabad. To, bus jo hai, uska fare obviously that is less as compared to the fare of the plane. इस केस में हमारा least cost solution क्या है? That is that we should travel by bus. This is an optimal solution. लेकिन अगर आप by plane चले जाते हो या by train चले जाते हो, that is another option and that is also a solution. वो भी एक solution है. लेकिन उनकी cost जो है वो optimal solution नहीं है. उनकी cost ज़्यादा. Like train जो है अगर उसका fare that is more than the fare of the bus but less than the fare of the plane. तो प्लेन ट्रेन का जो ऑप्शन है दैट इज द नेक्स्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन. और लीस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा, दैट यू शुड ट्रेवल बाय द प्लेन. तो ऑप्टिमलिटी का मतलब है
हमें एक लीस्ट कास्ट सॉल्यूशन अगर हमारा एल्गोरिदम रिटर्न करता है तो हम कहेंगे कि हमारा एल्गोरिदम जो है वो ऑप्टिमल एल्गोरिदम है, अदरवाइज आवर एल्गोरिदम इज नॉट ऑप्टिमल वन. टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो है दे आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, अभी हमने बात की कि टाइम जो है टाइम को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी नोड्स हैव बीन एक्सपेंडेड अंटिल वी हैव फाउंड द सॉल्यूशन. और इसी तरह स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो है दैट मींस के द नंबर ऑफ नोड्स दैट वर इन द मेमोरी दैट आर रिजाइडिंग इन द मेमोरी, कितनी जो है वो है जब हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं या जब हम रिटर्न करते हैं अपने एल्गोरिथम से. तो इन टर्म्स में हम टाइम और स्पेस को मेजर करते हैं. तो देर आर सम अदर टर्म्स दैट आर रेलेवेंट टू दिस. द फर्स्ट वन इज द बी. बी जो है दैट इज द मैक्सिमम ब्रांचिंग फैक्टर ऑफ द सर्च ट्री. ब्रांचिंग फैक्टर क्या होता है सर्च ट्री का, कि उस ट्री में से हर नोड जो है वो आगे कितनी नोड्स हैं वो जनरेट करता है. मिसाल के तौर पर बाइनरी ट्री जो होता है उसमें हम कोई भी अगर ट्री का नोड लेंगे तो आगे उसके कितने सक्सेसर नोड्स होते हैं, दो होते हैं. बाइनरी ट्री का मतलब ही ये है कि हर नोड जो है उसके मैक्सिमम जो है वो दो आगे चिल्ड्रन हो सकते हैं, यानी उसके सक्सेसर नोड्स हैं वो दो होते हैं. तो इस चीज को हम कहते हैं ब्रांचिंग फैक्टर. यानी बाइनरी ट्री जो है उसका ब्रांचिंग फैक्टर क्या होता है, उसका ब्रांचिंग फैक्टर टू होता है. तो बी जो है दैट विल दिस नंबर विल हेल्प अस टू डिटरमिन द टाइम कम्प्लेक्सिटी. टाइम कम्प्लेक्सिटी डिटरमिन करने के लिए हम इसको यूज करेंगे बिकॉज इट विल हेल्प अस to decide how many nodes have been expanded at each level in the tree. कि tree के हर level पे हमने कितना जो है वो nodes को कितने जो है nodes जो है वो expand हुए हैं. So the B is the maximum branching factor of the search tree. Second जो एक और जो term हम use करते हैं that is D. D जो है that is the depth of the least cost solution. Depth क्या है? Depth होती है कि उस tree के अंदर जो है उस पर्टिकुलर नोड की जो कि हमारा सॉल्यूशन नोड है उसकी डेप्थ कितनी है. यूजुअली जो है डेप्थ काउंट की जाती है इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी एजेस वी हैव ट्रेवर्स्ड फ्रॉम स्टार्ट नोड टू द गोल नोड. क्योंकि सॉल्यूशन हमारा कहाँ पे है, वो जो पर्टिकुलर गोल नोड हमने फाइंड किया वो हमारा सॉल्यूशन है. और पाथ हमारा जो है स्टार्ट नोड से लेके उस गोल नोड तक वो हमारा सॉल्यूशन पाथ होता है. तो डेप्थ डी जो है D is the depth of that solution. Okay, how many edges we have traversed along this path. उसके बाद third जो parameter जो है term जो हम use करते हैं that is M. M क्या है? M is the maximum depth of the state space. ये उस state space tree की maximum depth है. कि उसकी maximum जो है वो depth कितनी, यानी उसका जो furthest leaf है स्टार्ट नोड से उसका डिस्टेंस कितना है, नंबर ऑफ एजेस कितने हैं इन बिटवीन फ्रॉम दैट फर्दस्ट लीफ, सॉरी फ्रॉम स्टार्ट नोड टू दिस फर्दस्ट लीफ. तो ये उसकी मैक्सिमम डेप्थ है. सॉल्यूशन जरूरी नहीं है कि एंड वाला लीफ नोड ही हो सकता है. फॉर एग्जांपल हमारा एक ट्री है हमारे पास, उस ट्री के अंदर जो है वो 10 लेवल्स हैं, यानी फर्दस्ट लीफ जो है वो 10th लेवल पे पड़ा हुआ हमारा स्टार्ट नोड से. तो मैक्सिमम डेप्थ जो है इस केस में जो है वो आप कह सकते हैं फॉर एग्जांपल से अगर हमें 9 एजेस ट्रेवर्स करने पड़ते हैं तो इसकी मैक्सिमम डेप्थ 9 है. लेकिन हो सकता है जो सॉल्यूशन है हमारा वो सेकंड लेवल पे पड़ा हो, तो उस केस में डी जो है डेट विल बी अ डिफरेंट नंबर. यानी अगर हमारा सॉल्यूशन जो है वो कोई लीफ नोड नहीं है बल्कि इंटरनल नोड है उस ट्री के अंदर, तो उस केस में डी जो है डेट विल बी लेस देन द वैल्यू ऑफ एम. And another consideration is कि depth जो है state space की वो infinite भी हो सकती है. Like अगर अभी हमने जो case देखा कि जो search tree generate होता है जब हमारा graph जो है state space उसके अंदर loops हैं, repeated states हैं, तो infinite search tree जो है वो generate होता है, हो सकता है. तो उस केस में हमारी जो maximum depth है state space की that is infinite. So that's all for today. Any question up to this point?
नो सर। ओके जी।